हेलो एवरीवन, सुमन्स फूड फैक्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं व्रत के लिए आलू पनीर की एक ऐसी सब्जी जो बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ जिसे बनाना भी बहुत आसान है। आलू पनीर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में घी डालें और उसमें पनीर के टुकड़ों को डालकर हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। जब यह पनीर हल्का सुनहरा हो जाए तब इस पनीर को निकाल कर अलग प्लेट में रख देंगे। अब उसी पैन में जीरा डालकर भून लें। जब जीरा चटकने लगे तब इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालें और उसे भी हल्का सा भून लें। जब पेस्ट की कच्ची महक चली जाए तब इसमें 3 से 4 ग्राइंड किए हुए टमाटर डालें और अच्छी तरह से मिला दें। अब इसमें सेंधा नमक डालें और टमाटर को तब तक पकाएं जब तक वह पूरी तरह से गल ना जाए और घी उससे अलग ना होने लगे। जब घी अलग हो जाए तब इसमें कटे हुए आलू डालें और इन्हें मसाले में अच्छे से भून लें। इसमें जीरा पाउडर डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें 2 कप पानी डालें और ढककर तब तक पकाएं जब तक आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाएं। जब आलू अच्छे से पक जाएं, अब इसमें फ्राई किया हुआ पनीर डालें और धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकाएं ताकि पनीर में सब्जी का स्वाद अच्छी तरह से घुल मिल जाए। आलू पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। यदि आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपके अपने चैनल सुमन्स फूड फैक्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।